दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा फैसला एक बहुत बड़े फैसले की आधारशिला बन जाता है। तो क्या माना जाए कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो धांधली की और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को जो लताड़ पिलाई, उसके बाद जिस ढंग से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार यानी आम आदमी पार्टी का पार्षद अब चंडीगढ़ का मेयर होगा, तो ये छोटा सा फैसला क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक कर देगा? क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में नई जान फूंक देगा? ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बीजेपी ने फर्जीवाड़े का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया था और गलत तरीके से, अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, चोरी से मेयर पद पर कब्जा कर लिया था, तो जेपी नड्डा ने क्या कहा था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, याद है आपको? जेपी नड्डा ने कहा था कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चंडीगढ़ में विकास के काम कराए उसकी जीत है, और साथ ही साथ ये कहा था कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की ये पहली हार है, यानी पहली बार ही मिलकर चुनाव लड़ा और पहली बार ही हार गए। तो जेपी नड्डा कहने की कोशिश कर रहे थे इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट मेयर का चुनाव हार गया तो देश का चुनाव भला कैसे जीतेगा। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और बीजेपी की फर्जीवाड़े को पूरी तरह से उसका पर्दाफाश कर दिया है, उसके बाद जेपी नड्डा से क्या कहा जाएगा? क्या ये कहा जाए कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की ये पहली जीत है और पहली जीत का मतलब है कि मेयर के चुनाव में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट जीत गया, तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीत जाएगा? क्या हम इतनी बड़ी बूस्टिंग नहीं करते जैसे जेपी नड्डा करते हैं, जैसे मोदी जी करते हैं, अब की बार 370 पार, अब की बार 405 पार, और एक एक सीट के लिए रोना रो रहे हैं, एक एक कांग्रेस के नेता को तोड़ने की कोशिश हो रही है, पार्टियां तोड़ने की कोशिश हो रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नए नए व्यवधान पैदा किए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को डराया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है, सीबीआई का हो चाहे ईडी का हो चाहे इनकम टैक्स का हो, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। हम तो एज एक जर्नलिस्ट ये सवाल पूछते हैं कि क्या मेयर की जीत से के बहाने केजरीवाल और राहुल गांधी करीब आएंगे? क्या उनको लगेगा कि देखिए छोटी मोटी चीजों को लेकर आपस में झगड़ते रहे तो सारा फायदा बीजेपी उठा जाएगी, मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हराने की सूरत निकल सकती है? मैं ये नहीं कह रहा हराने में कामयाब हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि सूरत निकल सकती है, मुकाबला रोचक हो सकता है, मुकाबला कड़ा हो सकता है। अब चंडीगढ़ में देखिए हुआ क्या था, जिन लोगों को याद नहीं हो, 36 पार्षद हैं, जीत के लिए कितने चाहिए, 19 चाहिए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास मिलकर 20 थे, बीजेपी के पास 14 थे, एक अकाली दल का था और एक चंडीगढ़ की सांसद के नाते किरण खेर बीजेपी की नेता, उनका वोट था, तो कुल मिलाकर 14 और 2 16 थे। आसानी से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर बनना चाहिए था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जो बीजेपी के सदस्य कार्यकर्ता रहे, उनकी पदाधिकारी रहे मसीह साहब, उन्होंने 8 वोट आम आदमी पार्टी के एक झटके में रिजेक्ट कर दिए और बीजेपी के मेयर को के उन पार्षद को मेयर घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर कहा कि ये जो 8 वोट रद्द किए गए थे, ये गलत तरीके से रद्द किए गए थे, ये बिल्कुल वैध वोट पड़े थे और फर्जीवाड़ा किया गया, मसीह रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। बीजेपी अपने आप को बहुत सियाना समझती है, उसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद तोड़ लिए, ये सोचकर कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव रद्द कर देगा, नए सिरे से चुनाव कराएगा, तो 3 पार्षद हमने तोड़ लिए जिन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, तो हमारे 16 हैं, 3 ये हो गए, 19 हो जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के 20 थे जिसमें से 3 बाहर निकल गए, उनके 17 रह जाएंगे। लेकिन इस सारी चालाकी पर पानी फेर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा से मतदान कराना, चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है, पहले जो चुनाव हुआ उसे ही माना जाएगा और उसी के हिसाब से वोटों की गिनती की जाएगी। अब बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, साहब क्या फर्क पड़ता है, अब अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे।
लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है पहले 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और मेयर के कार्यकाल में शायद 1.5 साल का वक्त ही बचा है अगर मेरी जानकारी सही है। वैसे भी कितना भी वक्त बचा हो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। अब मेयर को ही खरीद लिया जाए, मेयर से में का ही दल बदल करा दिया जाए तो वो अलग कहानी हो जाती है, जिस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन क्या दिल्ली में जैसा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों के समझौते को लेकर रोड़ा अटका हुआ है कि कांग्रेस 1, आम आदमी पार्टी 7, ऐसा आम आदमी 6, आम आदमी पार्टी का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि 4 भले ही आम आदमी पार्टी लड़ ले, 3 हमें दी जाएं, उस पर क्या कोई समझौता अब हो जाएगा? क्या गुजरात में कांग्रेस 1-2 सीट आम आदमी पार्टी को देने पर सहमत हो जाएगी, बशर्ते आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की सीट छोड़ दे कांग्रेस के लिए, या फिर हरियाणा में अपना दावा छोड़ दे? बहुत सारे अगर मगर किंतु परंतु हैं, लेकिन तमाचा तो करारा मारा है। पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड को रद्द किया और अब मेयर का जो चुनाव था उसको ही रद्द कर दिया। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।